नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है व्यावसायिक अध्ययन वाणिज्य संकाय कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 3। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। हमारे चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन वीडियोज़ को यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मैंने सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका अध्याय 3 है व्यावसायिक पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सामाजिक वातावरण का उदाहरण कौन सा है? तो वो पारिवारिक रचना है। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, तो ये सभी करते हैं, जैसे आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक दशाएँ। मौद्रिक नीति का नियंत्रण निम्न के द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, तो वो जुलाई 1991 में हुई थी। अगला है, नई आर्थिक नीति के अंग हैं, तो ये सभी इस उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कानूनी परिवेश का सबसे अधिक संबंध किस तत्व से है? तो वो अधिनियमों से है। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो अनिवार्यता। उदारीकरण का अर्थ है तो है सरकारी बातचीतता एवं संशोधन में कमी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रणाली है, तो वो मिश्रित आर्थिक प्रणाली है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। देश में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में संतुलन के लिए बनाई गई नीति को कहते हैं, तो मौद्रिक नीति कहते हैं। राजकोषीय घाटे से आशय है तो व्ययों का आय पर आधिक्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, भौगोलिक स्थिति का संबंध है तो भौतिक पर्यावरण से है। सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है उदारीकरण में। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण के कौन से घटकों पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता है? तो बाह्य घटक का। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में उदारीकरण की नीति रही है तो सफल रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सदैव बदलता है, व्यावसायिक वातावरण को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि अवसरों की पहचान होती है, तीव्र परिवर्तनों का सामना किया जा सकता है, निष्पादन में सुधार किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, मतलब तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विदेशी विनिमय व्यवहारों को नियंत्रित करने वाली संस्था संक्षिप्त नाम है तो वो है फेमा, FEMA। क्वेश्चन नंबर 19 है, देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई गई तो विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता? तो प्रतियोगिता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण को कहते हैं तो वैश्वीकरण कहते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेचना कहलाता है तो विनिवेश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, घटक जिनका व्यवसाय से निकट का संबंध होता है तो आंतरिक घटक होता है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई नीति रोजगार नीति। और क्वेश्चन नंबर 25 है, देश के आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई नीति, तो उसको बोलते हैं आयात निर्यात नीति। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक है? तो पहचान करना, निष्पादन करना, परिवर्तनों का सामना करना, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण से संबंधित है? तो ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, उपरोक्त सभी। समष्टि वातावरण के प्रमुख घटक हैं तो इनमें से कोई नहीं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना, उसको कहते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण के उद्देश्य हैं तो जैसे देश के काले धन को समाप्त करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, जाली नोट को पकड़ना, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पिछले वीडियोज यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश को भी हमने कवर किया हुआ है, जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, जैसे नोटर आपकी जगह नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ग्रामर, नोट मेकिंग एवं समरी, सभी की प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बना दी है। तो उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और साथ ही इन वीडियोस की लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उससे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़।